हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा। आई थिंक इधर आता है। तो काटो हाई कर दो एक बार। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में खास क्या है, आज हम ये बताएंगे छोटे बच्चों को स्विमिंग में स्टार्टिंग में क्या सिखाते हैं। वे कहता जे दिया है, मेन नाम इसका दिया, पर मैं इसको प्यार से कांटो बुलाता हूँ। और क्या कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको बबलिंग में स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले बैक फ्लोटिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि जो उसको थोड़ा मतलब कि पानी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उसके बाद उसकी सीधी फ्लोटिंग आती है, उसके बाद उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलो आज हम बताते हैं कि छोटे बच्चे को कैसे करने हैं। इसकी एक वीडियो पहले भी है, तो तब ये ज़्यादा छोटी थी, तो आज ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तो करना स्टार्ट है, ऐसे कर दो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बोल तैयार है हम स्विमिंग के लिए, और दिया पानी में तैयार होकर चली गई है। और मैं एक चीज़ और बता देना हूँ कि बाहर की कौन सी एक्सरसाइज होती है, पहले वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम पानी में उसको एक्सरसाइज कराएंगे। मतलब कि जो फ्लोटिंग आती है, बैक फ्लोटिंग कैसे करानी है छोटे बच्चों को। अब सेम टू सेम अगर आपका बच्चा है या फिर आप किसी को सिखा रहे हो, अपने बहन के बच्चे को सिखा रहे हो, मतलब कि कैसे भी बच्चे को सिखा रहे हो, तो उसी में सेम अप्लाई करोगे तो वो मतलब कि एक कंफर्टेबल रहना। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चे को पहले पानी में खुद को मस्ती करने दो। मतलब कि इसको हो गए 2-3 दिन हो गए, ये पानी में खुद ही मस्ती कर रही है। आज इसको मैं सिखाऊंगा, जैसे पिछले साल भी ऐसे ही था। तो ये नहीं है कि बच्चे को पहले दिन से ही शुरू कर देना, चल बेटा आज ऐसे करना, नहीं, पहले बच्चे को दिल खुश करने दो, क्योंकि जो मस्ती करने वाला टाइम होता है वो करके उसके बाद उसको हो जाएगा कि हाँ भाई, अब मेरी पूरी मस्ती ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो चीज़ रहेगी। तो चलो स्टार्ट करें। ये याद रखना कि बच्चे को जितने दिन तक वो मस्ती कर रहा है करने दो मस्ती। मतलब कि आप सपोज करो वो 15 मिनट मस्ती कर रहा है, उसके बाद में जाके आप सिखा सकते हो, या फिर ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में सिखाओ। बच्चे को मस्ती करने के बाद जब वो थक जाएगा, उसके बाद बताना चलो अब आप स्विमिंग करेंगे और प्यार से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप के लिए तैयार है एकदम बिल्कुल। तो दिया बाहर आ जाएगी। और इसका फर्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, और साउंड क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे चेंज करने के लिए माफ कर देना। तो चलो अब स्टेप दिखाते हैं। ओके, यहाँ लेट जाओ, सीधे ऐसे, वेरी गुड। ओके, ऐसे हाथ ऊपर, किक करो। कैसे पैर कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए। हाँ, वेरी गुड, किक करो, वेरी गुड, किक करो। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपने बाहर ही करानी है ऐसे। ठीक है, हाथ छोड़ो। ओके, थोड़ी नीचे जाओ, अब किक करो, पानी में किक करो, पैर कैसे, पैर मूवमेंट सही करो, वेरी गुड। अब किक करो, फास्ट, पैर फोल्ड नहीं करने, सीधे पैर स्ट्रेट करके काटो। क्या हुआ, नहीं, यहाँ पे किक करो, अब बैठ के करो, लंबी पूरी किक करो, पूरी, वेरी गुड। पैर कैसे होने चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, रुको, पैर ऐसे होने चाहिए। उधर फ्रेंड्स को बताओ पैर कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे पैर होने चाहिए। चलो किक करो, फ्रेंड्स देख ले तुम्हें। तो फ्रेंड्स ये किकिंग करने, पैर कैसे होने चाहिए, हाँ तो करो 20 किकिंग करो, काउंट करके, पैर कैसे होने चाहिए, हाँ ऐसे 20 किकिंग करो, देखो कैमरे में देख के करो, चलो करो काउंटिंग करो, इधर आओ काउंटिंग करो, वहीं पे काउंटिंग करो, सुनेगी, बोलो, पैर चलाओ, फास्ट, पैर कैसे होने चाहिए, करो किकिंग करो, हाँ करो, तेज करो पानी। तो फ्रेंड्स ये किकिंग की प्रैक्टिस करनी है बच्चे को, जबरदस्ती नहीं करनी, प्यार से करनी है, जितना प्यार से कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब फ्लोटिंग करनी है। फ्लोटिंग के लिए हम तैयार हैं, नेक्स्ट स्टेप फ्लोटिंग है। तो फ्लोटिंग कैसे करनी है, जैसे कि अभी ये किकिंग कर रही थी, इसी तरह आप ऊपर से दो फिंगर्स पकड़ लेना, मतलब कि कैसे फिंगर्स पकड़ लेना मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिंगर्स पकड़ो, फिंगर्स पकड़ लेनी है, जो कि बाहर प्रैक्टिस की थी। अब मैं आपको पानी में दिखाने वाला हूँ, तो चलो पानी में दिखाते। फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं हैंड प्रैक्टिस, बच्चों को हैंड प्रैक्टिस बाहर भी करा सकते हो आप, मतलब कि अंदर भी करानी है। कैसे करानी है ये चीज़ बता देना, हाथ पकड़ लेने हैं बच्चों के, ठीक है, और रुको कांडो, सीधे खड़े हो जाओ, ये देखो अब कैसे करनी है, स्ट्रेट हैंड पानी के अंदर, पीछे तक, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे पानी में, और पानी में जिस चीज़ कराएंगे, हैंड चलाओ 20, वेरी गुड, चलाओ 20, कैसे कराने हैं, 20 कितने,
तो फ्रेंड्स इसको बच्चे को पाइप के पास ही रखना है, ताकि जो कई बार क्या होता है कि अभी मैं पानी के बाहर हूँ क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए। और टर्न हैंड हैंड चलाओ, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये अपने नोट करने की हाथ आपने बैक नहीं करनी, बैक नहीं करनी, फ्रंट करो पहले, फ्रंट करो, फ्रंट करो, फिर बैक करेंगे। नहीं 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 नहीं, हैंड चलाओ, हैंड चलाओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स जब ये हाथ चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बच्चा आगे बढ़ता है, तो बच्चा फ्लोटिंग में हाथ चलाना, मतलब कि हैंड की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे चलती रहेगी तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो अब मैं जा रहा हूँ पानी में और शूट देखते हैं कैसे होगा, तो चलो चले पानी में। अब इसको प्रैक्टिस, तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ पानी में, अब मैं हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी फ्लोटिंग, जो हमने फ्लोटिंग की प्रैक्टिस की कैसे करनी है, कांड करो, ये देखो ऊपर देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, फिर से ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये कमर ऊपर। तो फ्रेंड्स नहीं, रुक रुक रुक, एक मिनट, एक पैर पकड़ो, अब कमर ऊपर करो, ऊपर करो, वेरी गुड, ऊपर देखो, ऊपर पैर नहीं चलाने, ऊपर देखो, सिर्फ पैर नहीं चलाने, पैर नहीं चलाने, ऊपर देखो, वेरी गुड, अच्छे से थोड़ा फेस और अंदर करो पानी के, ऊपर देखो, ऊपर देखो, फिर से चलो 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 चलो, फिर से एक बार, फिर से ऊपर देखो, ऊपर देखो। फ्रेंड्स कमर के नीचे बच्चे के हाथ रखना, ताकि उसको फ्लोटिंग करनी आ जाए, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये खुद फ्लोटिंग कर रही है, वेरी गुड, करो करो करो, पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, वेरी गुड। तो ये करो ना ना, ऊपर सीधे अंदर करो, सीधे अंदर करो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, हल्का सा, नहीं नहीं ऊपर। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, कमर को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, तो उसके नीचे हल्की सी सपोर्ट हो गए तो वो सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद क्या होगा, उसका जो बॉडी है ना वो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। फिर धीरे धीरे धीरे, अब जैसे ये नेक बाहर रख रही है, ये नेक अगर अंदर चलेगी तो मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ये चीज़ आपने सेम रखनी है। तो अभी क्या करना है, कंटिन्यू रोड ऐसे पकड़ के फ्लोटिंग में, इसमें ऑटोमेटिकली इसकी कमर ऊपर आने लग जाएगी धीरे धीरे। तो चलो ऊपर, मुझे देखो, मुझे देखो, वेरी गुड, करो करो, मुझे देखो, पैर करो, पैर करो, मुझे चलाओ, मुझे ऊपर देखो, मुझे 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 देखे, मुझे देखे, ओके। तो फ्रेंड्स इसी के राउंड मारने हैं, मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लेता हूँ जिसके कारण आपको सही दिखेगा, क्योंकि अभी कैमरा मैंने थोड़ा बाहर को किया है। तो अब हम कैमरे शूट करेंगे ऐसे, क्योंकि जिसमें आपको सही पता चल जाए। कहाँ आ गए वापस, इधर इधर मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर देखो, जो मैं आपको बुलाऊंगा, हाँ बस ऐसे आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। कह रही मेरे टूटे हुए दांत दिखे, ओके। फ्रेंड्स देख लिया, कलो पल कमल हल्की सुपर, इनको टाइट लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, ओके। फिर से फ्रेंड्स हैंड के मूवमेंट के लिए प्रैक्टिस की मैंने वीडियो बनानी थी, पर मुझे एक बहुत कमेंट आ रही थी कि बच्चे को कैसे सिखाए उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मैं इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको भी पता लग जाए छोटे बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं। हालांकि दिक्कत ये आ रही है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, शूट लेना पड़ता है, अगर कोई कैमरा बनाओ तो ऑटोमेटिकली सही शूट करता रहेगा ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। काटो जल्दी आओ इधर, बाके 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 बाके। तो वो बार बार उधर जा रही है पैप के साथ और बार बार अपनी हैंड की प्रैक्टिस कर रही है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे मतलब बच्चों को शौक पड़ता रहता है कि मुझे भी स्विमिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो इधर इधर उल्टे हो जाओ, ओके, पकड़ो पैप, पैप पकड़ो, पैप पकड़ो, ऐसे और ऐसे, और पैर मैं पकड़ूंगा, दो पैर, वेरी गुड, पैप को अच्छे सिर ऊपर करो, सिर ऊपर करो, ऊपर ऊपर, और पैर चाहो ऐसे ऐसे पैर, वेरी गुड। एक बार फिर से, एक बार फिर से, पीछे 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 आ जाओ, नहीं 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 पीछे, पैर 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 ऊपर ऊपर ऊपर, पैर ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, पैर ऊपर देखो, ऊपर देखो, मुझे 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 देखो, मुझे देखो, नहीं 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 ऊपर देखो, पापा फिर वो काश भी स्विमिंग करते हैं ना, तुम्हें नहीं आती है ना, सीखनी है ना, वेरी गुड। अब छोड़ो छोड़ो, मेरी फिंगर्स छोड़ो, इसको पकड़ो, और ओके एक मेरी फिंगर्स पकड़ो, ऊपर देखो, कमर देखो ऊपर और ऊपर, वेरी गुड, ऊपर देखो, एक पैरों को देखना, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, नहीं ऊपर देखो। तो फ्रेंड्स कमर को हल्का सपोर्ट रखना है, जब इसका सिर बीच में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, नहीं काटो, ओके ओके, सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, अब हैंड प्रैक्टिस करनी है, हैंड प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स हैंड के लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, पर सांस कैसे लेना है ये देखो, रुको रुको रुको, ये हैंड रुको, हैंड सीधे करो, ऐसे 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 ऐसे, ये हाथ पूरा पीछे तक लेके जाना है आपने,
ठीक है ये मैंने इसके ऊपर हैंड के ऊपर बाहर मैंने वीडियो बनाई है, मुझे पानी के अंदर बोला गया था ये चीज़ के, चेक कर सकते हो, ये हाथ पीछे तक जाएगा फिर ये हाथ आएगा फिर ये पीछे तक जाएगा। चलो इधर पीछे देखो, इस हाथ को देखो, इस हाथ को, इसको ऐसे फिर सांस लेना, फिर ऐसे 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 फिर सांस लेना है, इधर देखो पीछे, फिर ऐसे ऐसे। ओके फैन, तो ये थी कुछ ट्रिक्स। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पानी के अंदर सांस कैसे लेना है, बल्कि आप एक ही जगह खड़े हो जाओ और आप प्रैक्टिस करो ऐसे, ठीक है। और अगर आपको फ्री स्टाइल में बैठ कर किसी साथ नहीं लेना आता तो मैंने डॉग स्विमिंग की एक वीडियो बनाई हुई है, आप डॉग स्विमिंग की वीडियो देख सकते हो जिसमें आप फ्री स्टाइल के हाथ चला के फिर डॉग की तरह पैडलिंग करके फिर आप सांस ले सकते हो। कैसे है वो एक बार मैं वीडियो में मतलब कि करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं दो हाथों में पूल ख़त्म कर देता हूँ, मतलब कि क्या करूँगी, जाते हैं मतलब कि दो हाथ चला के फिर डॉल पैडलिंग और हाथों को टाइट नहीं रखना, ठीक टाइट रखते हैं पूरा ऐसे। तो क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हाथ को पूरा नीचे ले गया, पूरा नहीं नीचे ले गया, पानी के अंदर हाथ गया, हाथ को फोल्ड करके ले गया ऐसे, ये चीज़ है। आप स्विमिंग करें पानी के अंदर हाथ गया उसको ऐसे नहीं चलाना, गलत है, इसको ऐसे चलाना है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद रिलैक्स आराम से फिर आगे, यही चीज़ ऐसे आराम से फिर आगे, ठीक है, ये चीज़ करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको दिया भी समझ में आ गया, छोटे बच्चे का भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने हाथ चलाने हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स है और स्पेशल वीडियो हैंड के ऊपर ही बनाऊँगा पानी के अंदर फ्री स्टाइल के साथ, और साथ में हम लेके आएंगे मनीष को, देखते हैं अगर मनीष आ जाए तो बढ़िया है। ओके दिया आ जाओ एक बार फिर से, यहाँ पे आप फैमिली में नहीं आ रहे, बच 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 आंखें बंद करके, मुंह से नहीं, नाक से, अच्छा मुंह से करो, सांस लेना, फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो, वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, तो आज की डिस्ट्री काफ़ी है और पीछे काफ़ी क्राउड आ गया है, तो अब शोर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये थैंक यू बोलो, थैंक यू बहुत वीडियो। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पानी में हाथ कैसे चलाने, अगर इसमें बैक में नहीं आती तो डॉग स्विमिंग चला सकते हो। ओके ओके काटो, और कैसे कुछ सीखे सारे, और जैसे तुमने प्रैक्टिस की सबको आ गई समझ में। ओके तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बच्चे को कैसे ट्रीट करना, बच्चे को स्विमिंग कैसे चला रहे, एक बार बाहर हाथ चला के दिखाओ स्विमिंग में कैसे चलाते हैं, ये थोड़े नीचे जब बैंड होके बैंड होके बैंड होके, नहीं नहीं खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आगे से झुक कर आगे बैंड, अब चलाओ हाथ। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप बच्चों को दिखाएं और बच्चों को बोले कि सेम ऐसे करें, और क्या होता है कि ये बोले थोड़ी सी शूट ले लो जिसके बोलोगे हम आजकल बच्चे फोटो पे वॉच किए रहते हैं, जैसे कि इसको बोलो कि स्माइल दे दो तो ये बड़ी जल्दी स्माइल देती है, ठीक है। और बैक स्विमिंग के हैंड बैक के। तो फ्रेंड्स ये बल्कि इसको मैं घर में प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़ी बहुत। ओके जाओ। तो फ्रेंड्स क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये टिप्स आपको समझ में आ गई होगी, सारी समझ में आ गई होगी, और सेम आपने फॉलो करना है बच्चे को, तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे उसको भी स्विमिंग आ जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं अपने आप कैमरा सेट कर रहा था, अपने आप सिखाने जा रहा था, जिसके कारण मैं थोड़ा बाहर भी हो रहा था कैमरे से, उसके लिए सॉरी, बाकी मैंने कोशिश की है कि वीडियो अच्छी बन जाए, और पता नहीं वीडियो कैसी बनी कैसी नहीं बनी। और इसमें मैं एक चीज़ और देना चाहता हूँ, टिप्स देना चाहता हूँ कि जब आप फ्री स्विमिंग करते हो तो माइंड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके चला करो कि मुझे पानी के ऊपर तैरना है। मुझे काफ़ी जनों का कमेंट आता है कि मैं मतलब कि गहरे पानी में कैसे तैरूँ वगैरह वगैरह। अब गहरे पानी में हम कभी भी मतलब कि काउंट करो, चाहे गहरा हो चाहे कम पानी हो, मतलब कि पानी के ऊपर ही तैरते हैं, हम पानी के अंदर तैरते हैं।
ये कॉन्सेप्ट लेके माइंड में चलोगे आप इजीली बड़ी जल्दी पार कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं वीडियो को एंड कर देंगे और कुछ टिप्स और दे दूंगा, इतने मैं कपड़े भी डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि काफ़ी कमेंट थे जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी, हैंड मूवमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी, पर मैंने सोचा कि पहले जो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना लूं। तो वो थे कि बच्चे को कैसे स्विमिंग सिखाए, मुझे ये कमेंट आया था, और एक हैशटैग पे और आया था, किस पर, डॉल्फिन पे आया था, हैशटैग डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने हैंड मूवमेंट की वीडियो बनानी है, ये मैं अलग से भी बनाऊंगा, एक स्पेशल पानी के अंदर, और पानी के बाहर तो मैंने बना ही दी है, मतलब कि पानी के बाहर कैसे मतलब कि आपने हैंड मूवमेंट को एक्यूरेट करना है। तो क्या करते हैं कि पानी के अंदर आपका जोर लगता है कि आप इस चीज़ को टाइट रख के ऐसे टाइट ही पूरा सीधा ऐसे टाइट घुमाते हो, ये चीज़ नहीं घुमानी। पानी के अंदर आराम से डुबो के हाथ को ऐसे मतलब कि लेके आना है, पीछे तक छोड़ देना है पानी को, लेकिन पीछे तक पूरा ऐसे छोड़ने के बाद फिर आप इसको फोल्ड करके आराम से फिर आगे पानी को ऐसी तरह ये पीछे तक। ठीक है, अगर आप इतना गैप स्पेस कवर कर रहे हो तो जेन्युइन या आप स्विमिंग की मतलब कि सही चलोगे, एकदम आगे चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना है। और आपको अगर ऐसे करते हुए ऐसे में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, पहले हाई हैंड मूवमेंट सही कर लो, हैंड मूवमेंट चला चलाते डॉग स्विमिंग करो सांस लो, फिर हैंड मूवमेंट चला के डॉग स्विमिंग करो सांस लो। ठीक है, ये चीज़ करो, इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, जब आपके हैंड मूवमेंट सही होगी डॉल्फिन के बाद, उसके बाद आप धीरे धीरे जब ये चीज़ आपका हैंड पूरी मूवमेंट सही होगी, उसके बाद हल्का सा फेस टर्न करना है और मुंह सांस लेना है, फिर अंदर छोड़ देना है, फिर हल्का टर्न करना है, सांस लेना है, अंदर छोड़ देना है। दोनों आपने मतलब कि दोनों साइड फेस टर्न करके लेना है, क्योंकि अगर आप एक साइड सांस लोगे तो क्या होगा कि बाद में आपको एक बाजू थोड़ी रिलैक्स मिलेगी, एक थोड़ी कम रिलैक्स मिलेगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एक बाजू मतलब कि ऐसे ही आप टर्न करते रहोगे ना तो इसका ज़्यादा मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका मूवमेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक्यूरेट करो, बल्कि एक बार इधर से सांस लो, एक बार इधर से सांस लो। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे करो, पर रेस में ऐसे नहीं करना, रेस में एक साइड ही सांस लेना है। अगर आप दोनों साइड ले सकते हो तो आपकी मर्जी है। और सांस लेते समय अगर आप ऊपर से पढ़ के जब आप तैरोगे सांस लोगे ना, तो अगर आप फेस को नीचे करके ऐसे ऊपर टर्न करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कई बार क्या होता है कि सांस लेते ना ऐसे ऊपर को फेस करके फिर ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते ना, सांस लेना है तो आपने इजीली टर्न करना ऐसे। ठीक है, ऐसे बल्कि ये चीज़ नीचे रखें हल्का सा, मुझे पूरा नहीं आएगा, ये इतना बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। ठीक है, और जब आपने बाहर मुंह बाहर निकालना है तो पानी के अंदर सांस छोड़ देना है। और कमेंट आ रहा है कि मेरे नाक में पानी चला जाता है, नाक में पानी इसलिए जाता है क्योंकि जब आप ब्रीथिंग करते जाते हो अंदर स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ब्रीथिंग करते जाना है, बल्कि स्टार्टिंग से बाहर से ब्रीथिंग करते जाना है, और ब्रीथिंग करते ही बाहर आओ फिर आपके नाक में पानी नहीं जाएगा क्योंकि आप बिगनर हो, पानी के अंदर जाके आप सांस नहीं रोक पाते कि आप होल्ड करके बाहर आ सके, तो बस इसीलिए आपके नाके में अंदर पानी चला जाता है। अगर बाई चांस फिर भी चला जाए तो ब्रीथिंग करने से नॉर्मल हो जाते हैं बंदा, क्योंकि नाक में पानी चला जाए वो सोचता है कि दो मिनट में बाहर हूँ मैं सही हो जाऊँगा, पर ब्रीथिंग करने से ज़्यादा जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और कान के ऊपर मैंने बता दिया कान में पानी चला जाए क्या करना है, और कुछ कमेंट किया था डॉल्फिन के ऊपर, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और हैंड मूवमेंट के ऊपर भी बनाऊंगा पानी के अंदर। तो ये तो मैंने इसलिए टिप्स दे दी क्योंकि इसके भी कमेंट काफ़ी थे, क्योंकि दोनों के कमेंट देखा जाए तो काफ़ी थे, पर मैंने आज शनिवार में वीडियो बनाने में लेट हो गया, मेरी हफ्ते में दो वीडियो आती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि उसके भी मुझे 10,000 फॉलोवर करने हैं, तो पता नहीं कब होंगे। और बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो और सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, ये है स्विमिंग बाय मनी चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, स्विमिंग की वीडियो एंड तक देखे आपको सब कुछ सीखा होगा। टेक्निकल लवली चैनल पे मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हैशटैग करके मुझे बताना कौन सी वीडियो नेक्स्ट।